वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बारे बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती है, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 16, सब की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या क्या होती है, और उनका प्रूफ भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि साइन 30 जो होता है आपका 1/2 होता है तो क्यों होता है, कॉस 30 अगर √3/2 होता है क्यों होता है, ये आपको मैं पूरा इस वीडियो में प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो आप आइए चलते हैं, पहले मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे थीटा आपके 0, 30, 45, 60 और 90, ये अभी आपको हाल फिलहाल में यही वैल्यूज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मोस्टली आपको जो बेसिक 10th क्लास तक में यही यूज होती हैं, बाकी 11th 12th में ज्यादा होगी तो उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसमें आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन चीजें तो आप पहले लिख ही लो। ये साइन जीरो की वैल्यू होती है, पहले आप इसको एक अगर एक आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक ये होगी कि इसको आप इस तरीके से 0, 1, 2, 3 और 4 लेते हैं। 0 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4 लिख दिया आपने, लास्ट में कितना लिखा हुआ है 4, 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 4, 4, 4, 4 और 4। अब सभी का आप क्या करें, ये 4 से डिवाइड कर दिया आपने सभी को, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, फिर 4 से सभी को डिवाइड कर दिया, अब सभी का रूट ले लीजिए, ले लिया। अब इनकी वैल्यूज आप लिखते जाइए, तो जैसे ये जो वैल्यू आपकी बनेगी वो आपकी साइन थीटा की बनेगी, 0/4 क्या होगा 0, और किस 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है, 1 का रूट क्या होगा 1 और 4 का क्या होगा 2, 2 1 2, 2 2 4 तो आपका हो जाएगा 1/√2, 3 का रूट क्या होगा √3/4, 4 से 4 कैंसिल क्या हो गया 1, इसका मतलब आपका साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ये आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसमें साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब आते हैं कॉस के लिए, कॉस में सिंपल है, एक ट्रिक है, जो उल्टा उसको पीछे से लिखना चालू कर दीजिए, जैसे आपका ये कॉस थीटा वहां से लिखेंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, उसमें क्या किया हमने, इसमें उल्टे चल गए, पहले 1 को लिख दिया, फिर √3/2 को लिख दिया, फिर 1/√2 को लिख दिया, फिर 1/2 को लिख दिया और फिर आपका 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे cos की वैल्यू है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये आपका साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है। अब इसका साइन और कॉस के बाद किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा। आपको एक बात बता दूं, जो टेन थीटा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपको मैं आपको आगे बताऊंगा वो सब चीजें, लेकिन यहाँ पे कॉमन चीज है, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आपका साइन थीटा की वैल्यू भी और कॉस थीटा की वैल्यू भी है, तो टेन थीटा क्या होगा आपका बताओ जरा, 0/1, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 0/1 क्या हो जाएगा 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3, 1/√2/1/√2 क्या हो जाएगा आपका 1, √3/2/1/√2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3, 1/0, 1/0 आ गया यहाँ पे, अपॉन में 0 होता है तो नॉन डिफाइन होता है, इसका कोई डिफाइन नहीं, इसलिए इसको कहते हैं इन्फिनिटी, क्या कहेंगे इन्फिनिटी, तो 1090 की वैल्यू कितनी हो गई इन्फिनिटी, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 आपका 1 हो गया, 10 60 आपका √3 हो गया और 10 90 आपका इन्फिनिटी हो गया, समझ में आया आपको ये चीज। अब आपको पता ही है कि जो cosec, sec और cot जो होते हैं, cosec आपका साइन का अपोजिट होता है, sec जो होता है वो cos का अपोजिट होता है, और जो cot होता है आपका वो tan का अपोजिट होता है, तो ये इसके बाद की वैल्यू आप उनके अपोजिट करके अपॉन में डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं अपॉन में डिवाइड करके कैसे करेंगे, जैसे इसको मैं हटा देता हूं। अब आते हैं कॉसेक के लिए, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा आपका साइन का, साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा आपका 1, 0/1, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, आपका जो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा या फिर cosec थीटा इक्वल टू 1/sin, ये दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो आपका साइन क्या है जीरो है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए cosec की, तो आपको जाएगा cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा,
तो आपका साइन जीरो इक्वल टू जीरो, वन अपॉन जीरो क्या होगा, ये वन अपॉन जीरो होगा, तो जीरो वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसके बाद थर्टी, वन अपॉन टू क्या हो जाएगा, टू, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू क्या हो जाएगा, ओनली रूट टू, थर्ड वाला फर्स्ट पर जाएगा, और रूट थ्री अपॉन टू क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री, और वन अपॉन वन तो क्या होगा, वन ही होगा। अब इसको ऐसे ही आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये वन, ये टू अपॉन रूट थ्री, ये टू, और ये आपका रूट टू, ये आपका टू, और ये आपका इन्फिनिटी बन गया। और कॉट क्या हुआ, दोनों का अपॉन हो जाएगा, या फिर टेन थीटा का अपोजिट होता ही है, तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो का उल्टा यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन रूट थ्री, तो ये आपकी रूट थ्री हो जाएगा। टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती, वन होती है, तो ये आपका वन अपॉन वन हो जाएगा। टेन सिक्सटी की वैल्यू आपकी रूट थ्री होती है, तो इसकी वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री, और इसकी टेन इसकी इन्फिनिटी होती है। टेन नाइनटी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तो एक ट्रिक वाइज था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रूफ कि भैया ये होता कैसे, तो इसका प्रूफ, तो आइए देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ साइन 30 के एंगल्स के लिए। तो 30 के लिए आप, सॉरी 45, सबसे पहले आपको प्रूफ करके बताऊंगा 45 के एंगल के लिए। जी हाँ, तो 45 के लिए का आप ट्राइंगल लीजिएगा, जिसको हम आइसोसेलिस ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ये सपोज करो कि 90 का है, तो ये एंगल 45 का हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो 45 45 90, यानी 90 कितना हो गया टोटल आपका, 180। आइसोसेलिस ट्राइंगल भी इसको कह सकते हैं। इसकी साइड आप कोई भी सपोज कर ले अपने मन से, जो सपोज करना है आपको। तो जैसे ये आपको पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन, हम किसकी वैल्यू पता करेंगे, साइन 45 की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो इसको आइसोसेलिस ट्राइंगल, इसका जो ये वाली वैल्यू जो है, ये भी 45, ये भी 45, जिसकी दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वली होंगी ना, तो ये भी 45 होगा, और ये भी आपका, सॉरी ये भी आप इक्वल हो, ये भी, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सपोज कर लिया हमने आइसोसेलिस ट्राइंगल, इसकी दो साइड आपस में क्या इक्वल है, तो भाई आपका हाइपोटेनस तो इक्वल हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, तो ये आपका ए होगा, ये ए होगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम होती, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना आपका ए, बेस भी कितना आपका ए ही है, तो क्या हो जाएगा, ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा आपका, टू ए स्क्वायर। तो आप यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगी, अंडर रूट टू ए स्क्वायर, तो ये तो रूट टू हो जाएगा, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए, तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका, रूट टू ए, तो ये रूट टू ए हो गया। इसकी वैल्यू कितनी, ए है, इसकी वैल्यू भी ए है, और इसकी वैल्यू रूट टू ए। अब यहाँ पे दोनों ही एंगल 45 है, तो आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए, तो आपका साइन 40, साइन थीटा होता क्या, पहले ये बताएं आप, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, इसको अगर ए बी और सी नाम दे दिया जाए, अगर आपने ये लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर यही होगा, और चाहे ये ले लें, दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर में ये वाला एंगल मान के चलते हैं, इसके पापा पॉइंट क्या, ए, तो ए, हाइपोटेनस कितना आपका, रूट टू ए, तो ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा, वन अपॉन रूट टू। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती, वन अपॉन रूट टू, यहाँ से प्रूफ हुआ है, साइन 45 कितना होता है, वन अपॉन रूट टू। अब आते हैं कॉस 45 पे, कॉस 45, कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे क्या है, ये भी आपका ए, हाइपोटेनियस क्या है, रूट थ्री, तो ए अपॉन में रूट टू है, तो ए से ए कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया, वन अपॉन रूट टू। ये आपका साइन हो गया, साइन 45 वन अपॉन रूट टू, कॉस 45 वन अपॉन रूट टू। अब आपका आता है टेन, टेन 45 की वैल्यू क्या होता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका ए, बेस भी कितना है ए, तो ए से ए कैंसिल, तो आंसर क्या आया, वन। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। साइन कॉस 10 हो गया। अब आते हैं कॉसेक पे, कॉसेक 45, ये एंगल लिखा 45 इसलिए हमने लिखा है 45। तो कॉसेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है आपका, रूट टू है, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए चल ही रहा है, तो ए से ए कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज रूट टू। कॉसेक 45 इज रूट टू। कॉसेक के बाद आता है आपका सेक 45, तो आपका सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो आपका हाइपोटेनियस कितना है, रूट टू ए है, और ये कितना हो जाएगा, बेस ए, तो ए से ए कैंसिल, ये भी कितना जाएगा आपका, रूट टू आएगा।
साइन आपका कॉसेक हो गया, सेक हो गया, अब आता आपका कॉट। तो कॉट 45 क्या होता है, कॉट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर कॉट बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है ए, ये भी ए से ए कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1। तो आपका ये होता है प्रूफ, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक 45, सेक 45, कॉट 45 की वैल्यूज का। ये आपका, अब मैं आपको आग बताता हूं 30 और 60 का। 60 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इसकी तीनों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, साथ में तीनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये साइड है सपोज ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी आपका 60 होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की यही खासियत है, तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो तीनों साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल। तो सपोज करो तो मैंने इसकी 2a 2a मान लीजिए, सभी को 2a 2a माना, जरूरी नहीं है आप 2a 2a मान के प्रूव करो, आप a मानकर भी प्रूव कर सकते हैं। वो मैं 2a इसलिए मान रहा हूं ताकि अभी हम इसमें कुछ आगे सॉल्व करें, इससे क्या हमें 2a थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, बाकी आप a मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहां से हम क्या करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप और इसको ये हाफ कर दे ताकि, तो ये ये आपका 30 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा 30, 60 था तो 30 हो गया। और ये आपने परपेंडिकुलर जैसे इसको ए बी और सी ट्राइंगल आपने माना कि भैया आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आपने कोई पॉइंट डी, तो एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 30 होगी, ये 30 और इसको ये वाई सेट कर देगा, अगर ये ए, ये 2a था तो क्या बन गया ए और ये भी क्या बन गया ए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं 2a नहीं मानता तो a/2 करना पड़ता, और अब मैंने 2a मान लिया तो a और a हो गया। अब आप ध्यान से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, कितने का एंगल बन गया 90 का, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। और हमने, मैं आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक से राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं। अब आपके बन गया 90, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे जो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड 2 है, आपके पास इसकी वैल्यू है, ये भी वैल्यू, किसकी वैल्यू नहीं है पास, ये जो अभी आपने ड्रॉ किया इसकी, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी बाय पीजीटी, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम आपकी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपकी, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, बाकी साइड अभी इसमें कोई लेना देना नहीं होगा कि भाई परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी लिखना लिख दो। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 4a² और ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए को इस तरफ लाएंगे, 4a² में से a स्क्वायर जाए कितना बचेगा आपका पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके 3a² = p², तो यहाँ से p का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट ए 3a² हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी √3a, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ये वैल्यू है वो कितनी है आपकी √3a, कितनी है √3a। अगर आप 30 एंगल लेंगे तो इसके लिए अलग चीज होगी और 60 के, इसमें दोनों में आपको प्रूफ बता रहा हूँ, पहले मैं 30 के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ 30 के, इसमें देखेंगे साइन 30 कॉस 30 साइन कॉस 10 30 कॉसेक 30 सेक 30 और कॉट 30, इन सभी की वैल्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साइन थीटा, साइन 30 तो 30 ये रहा आपका, तो 30 के अपोजिट में कौन सी साइड है आपकी बी डी, हम इसमें छोटे से ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए डी बी ले रहे हैं हम, तो ए डी बी में आपका जो 30 के अपोजिट कौन सी साइड है, बी डी साइड है, परपेंडिकुलर आपका 2a और आपका ये सॉरी आपका जो हाइपोटेनियस वो 2a और बाकी पांच बची हुई साइड ये, तो आपकी √3a है ये AD वाली साइड। तो इसमें आपका साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा है BD है, मतलब a, और हाइपोटेनियस कितना आपका 2a, इसको मैं यहां लिख देता हूं 2a, ये 2a हो गया, a से a कैंसिल, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा आपका इसके लिए 30 के लिए, ये परपेंडिकुलर ये होगा आपका बेस AD, तो √3a और अपॉन में क्या चल रहा है 2a, तो a से a कैंसिल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। tan 30 के लिए लेते हैं, tan 30 की क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या आपका a, बेस क्या है आपका, बेस आपका √3a, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। साइन कोस 10 कोसेक, कोसेक 30 क्या होगा आपका, कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है 2a और परपेंडिकुलर कितना है आपका इसके लिए 30 के लिए ये रहा a, तो ए से ए कैंसिल, फाइनल आंसर इज
टू, और वैसे भी साइन का अपोजिट होता नहीं, वन अपॉइंट टू या थ्री कितना आ गया टू। अब आते हैं सेक 30 पे, सेक 30 क्या आपका बेस हाइपोटेनस अपॉन में बेस है, तो हाइपोटेनस कितना है इसके लिए टू है और बेस कितना है इसका रूट थ्री है, तो ए से ए कैंसिल तो टू अपॉन रूट थ्री। अब इसके बाद क्या बचा आपका कॉट 30, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है इसके लिए रूट थ्री है और परपेंडिकुलर कितना है आपका ए, तो ए से ए कैंसिल क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू रूट थ्री हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका टोटल जो भी 30 वाले थे ये आपको समझ में आएगा, वो सिंपल था। अब इसी तरीके से हम आते हैं 60 पर, 60 का देख लेते हैं। अब 60 के लिए आप देखेंगे 60 के अपोजिट में क्या है रूट थ्री है, 60 के अपोजिट में कौन है रूट थ्री है, तो 60 का अपोजिट रूट थ्री है तो आपका रूट थ्री आपका परपेंडिकुलर होगा, ए आपका बेस होगा, टू ए आपका हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होगा, जो होता है वही होता है। तो अब आते हैं साइन 60 में, साइन 60 कितना होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के लिए क्या 60 के लिए रूट थ्री है और हाइपोटेनस कितना है टू है, तो ए से ए कैंसिल इसकी वैल्यू होगी रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, कॉस 30 के लिए आते हैं, कॉस क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना है इसके लिए ए और हाइपोटेनस कितना है टू, इधर टू से टू कैंसिल वन अपॉन टू। ओके, अब आते हैं साइन कॉस 10 पे, 10 60, 10 आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका इसके लिए आपका रूट थ्री है और बेस कितना है ए से ए कैंसिल क्या बचेगा रूट थ्री। इसी तरीके से आपका जाएगा कॉसेक, कॉसेक 60, कॉसेक से हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना आपका टू है और परपेंडिकुलर कितना है आपका रूट थ्री है, ए से ए कैंसिल टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, सिंपल था। अब इसके आगे हम चलते हैं साइन कॉस 10 कॉसेक, अब आता है सेक, सेक 60 के लिए सेक, सेक क्या होता है आपका, सेक आपका होता है कॉस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है आपका टू ए, बेस कितना है आपका ए, ए से ए कैंसिल क्या बचेगा टू। अब आता है कॉट 60, कॉट क्या होता है बेस अपॉन हाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका इसका जो बेस है वो कितना है आपका ए है, परपेंडिकुलर कितना है आपका रूट थ्री है, तो ए से ए कैंसिल तो वन अपॉन रूट थ्री। इसी के साथ आपका थर्ड 60 के एंगल में भी 60 के जितने भी रेशियोज की वैल्यू होती है वो आपकी आ चुकी है, तो ये आपका प्रूफ होता है। इसी तरीके से आपका 45 का था पहले, अब इसके बाद 30 और 60 का है, ऐसे आपका 0 और 90 का तो इसकी इतना नीड नहीं होती जानने की, बेसिक्स प्रूफ में यही आते हैं। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा। अब आपको जो भी आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती ट्रिग्नो में तो आप कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।